हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्सराज मेकओवर। आज मैं आप लोगों के साथ वैक्सीन का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम लोगों को ज़रूरत होगी क्लेंजिंग मिल्क की, जो कि बॉडी केयर का है, एक बॉल में वाटर एंड टिश्यू, वैक्स हीटर, वैक्स जो कि सिल्क का एलोवेरा वैक्स है, एलोवेरा फेशियल जेल जो कि बॉडी केयर का है, वैक्सिंग स्ट्रिप्स, स्पैचुला, पाउडर, ये सारी चीज हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वैक्स हीटर में वैक्स को निकाल लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि वैक्स करते टाइम हमेशा एसी होना चाहिए, एयर कंडीशन रहने से वैक्स बहुत आसानी से हो जाती है, वैक्स के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सबसे पहले हम लोग को जितनी वैक्स की ज़रूरत होगी उस हिसाब से वैक्स हीटर में उतना वैक्स निकाल लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ उसमें सबसे पहले हम लोग हाथ को जिस जगह पे वैक्स करेंगे वहाँ अच्छे से क्लिंजर से क्लीन कर लेंगे। क्लिंजर ऑप्शनल है, क्लिंजर बस सिर्फ इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि हाथ में अगर कुछ पसीना या फिर धूल वगैरह हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए और वैक्स आराम से आसानी से हो जाए। आप क्लिंजिंग को स्किप कर सकते हैं, इससे हम लोगों के रिजल्ट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। 1 से 2 मिनट नॉर्मल राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे। हाथ को क्लींजर से अच्छी तरह क्लीन करने के बाद पाउडर अप्लाई करेंगे। अच्छे से फुल हैंड में पाउडर लगाकर वैक्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा वैक्स रेडी हो चुका है। स्पैचुला की हेल्प से वैक्स को लेंगे और हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर ग्रोथ है, स्पैचुला की हेल्प से उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म के स्किन जल जाए और बहुत ज़्यादा ठंडा के वैक्स लगे ही ना, वैसा नहीं होना चाहिए। वैक्स को हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में लगाएंगे और स्ट्रिप भी जिस डायरेक्शन में हेयर है, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने वैक्स को लगाया है, सेम उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप को सेट करेंगे और हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप को खींचेंगे। स्किन को हमेशा नीचे से पकड़ के रखेंगे ताकि स्किन लूज ना हो और स्किन कटने का डर ना हो। तो इसी तरीक़ा से हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में वैक्स को लगा के और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींच के पूरा अपना वैक्स का ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे।
और यहाँ पर हमारा वन हैंड का वैक्स कंप्लीट हो चुका है। वे टिश्यू से हैंड को अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सारा हेयर रिमूव हो चुका है, बहुत हद तक हाथ का टैन रिमूव हो चुका है। आप दोनों हाथ में फ़र्क देख सकते हैं। अब दूसरे हाथ को क्लीन कर चुके हम लोग, पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। सेम जैसे पहले हाथ का हम लोग वैक्स किए हैं, उसी के तरह दूसरे हाथ को भी फुल वैक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वैक्स बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। सेम हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाएंगे। और स्ट्रिप सेट करके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को रिमूव कर देंगे। और खींचने टाइम आहिस्ता आहिस्ता नहीं खींचेंगे, एक ही बार में खींचेंगे उसको। और यहाँ पर हमारा दोनों हाथ का वैक्स बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। एलोवेरा जेल को हाथ में अच्छे से लगाएंगे ताकि रैशेस वगैरह ना हो और हाथ थोड़ा हाथ को ठंडक मिले। और यहाँ पर मेरा वैक्सिंग का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, सारा स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को मेरा ये वैक्सिंग का वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगा बुरा लगा। थैंक यू।